टेस्ट होना जरूरी है दोनों का, अपना भी कराओ फिर। रूटीन टेस्ट है क्यों का पता चलेगा तब फिर और दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए तो हेल्थ पैकेज करा दो। अरे मैंने करा है, नहीं पहले अगर करा रखा है तो हर तीन चार महीने में तो करा लेनी चाहिए। इनको हो गया है एक साल तो हो गया शुना आपको कराए हुए, उसको भी कराना है। क्यों रो रही है यहाँ पे? ये दर्द मत करना बच्चे, खेलना मत शुना बिल्कुल भी। होने वाला है बस, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। मेन तो ये है शिकार। मुझे ठीक लग रही है तबीयत। अरे मैं बहुत स्ट्रांग होगा, अगर मैं देखूंगी तो दर्द होता है। ये लेना देख भी लूंगी, मुझे कुछ नहीं है, इतनी बार करा चुका। पर तुझे दर्द ज्यादा पता है आपको, आप इससे मत रहिए। सही बात है। नहीं नहीं मतलब वो ये कह रहे हैं इंजेक्शन लगाने वाले का हाथ का भी फर्क होता है, लगाने वाला भी वो होता है। दो बोतल अभी आपको वो करना होगा, दो बोतल दो ये तीसरी भी लग गई। मैं तो अब काजल की सोच रहा हूँ, काजल दो सेकंड के लिए नहीं रुक सकती। सर आप इसके साथ एक हार्मोन्स के पीसीओडी पैनल ले सकते सर। ओके अब हुआ था दर्द भैया जी। काजल के चक्कर में चिपक गया था ना इसमें, इसके में। हाँ वो भी तेरा भी कराती हूँ, आ रही हूँ। आजा काजल रानी। Just like beautiful Wednesday, it's gonna be a hopeful day. Bye. Someday, some I'm gonna see the rainbow. दिखा दो मेरे को पैकेज, दिखाओ। चलो, 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 चलो। अच्छे से कर देना इसका वॉश। वुफो वुफो क्या हुआ? ये क्या आप हेयर कटिंग करते हो? बाहर सभी करते हैं। सबसे दिल्ली क्राइम देख रहे हो, बहुत बहुत सारा डर रहे हैं। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। वैसे तो काजल और साहिल ने मुझे काफ़ी डरा दिया है कच्चा बनियान गैंग से, मैं इसका नाम भी अपने मुंह से लेना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मुझे कराना है अपने बालों पे स्पा, और मेरे थोड़े से जो नेल्स हैं वो हो गए हैं, स्टोन्स वगैरह निकल गए हैं, तो वो फिक्स कराऊंगी। और स्पा लेना बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़्यादा ना थोड़ी थोड़ी डेंड्रफ हो गई है, और घर में ऑयलिंग करने से भी ना सही नहीं हो पा रहा है। या तो मैं ठीक से ऑयलिंग कर नहीं पा रही हूँ ना, मम्मा ने कहा था वीक में 2 times कर, मैं वीक में क्या मैं 15 days में ही एक बार करती हूँ, और फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। तो पहले चलते हैं स्पा लेने, और मैं अपने साथ काजल को लेके जा रही हूँ। वैसे तो इसकी तबीयत ख़राब है, और आज इसके चक्कर में जो ये टीके लगे हैं ना, हमें 3 बॉटलें वो खून निकाल कर गए हैं, तो शाम तक या कल तक उसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। 24 hours उन्होंने बोला था, तो अभी चलते हैं पहले। रैप बैटल में चली जा सकती हूँ ना काजल, तो जीतेगी। जाऊंगी गाइस, आप ऐसे बोल दे रैप कर रही हो यार। मैं ये चाहती हूँ कि इनका ना मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, सोते उठते हाँ तो गाइस अब मुझे रहता है फटाफट बताऊँ सब कुछ। तो अभी चलते हैं स्पा लेने और थोड़ी बहुत अपना काम कराने, उसके बाद आकर आपसे बात करती हूँ, वहाँ जो होगा वह देख लेना।
यो। ओ वाओ कितना ब्यूटीफुल स्काई, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर। ओ फक दरवाजा ही मेरे ऊपर लग गया। आ जाओ आप दोनों नीचे, मैं और काजल जा रहे हैं। बालों को कर्ल्स करा लिए हैं और काफ़ी शॉर्ट लेंथ लग रही है दोनों की, सेम सेम लग रही है, बिल्कुल सेम। और नेल्स हमने कुछ ऐसे कराए हैं, तू दिखा अपने। वाओ तू अपने दिखा दे फिर, तेरे ही दिखा के पता लग जाएगा। पीछे को, पीछे तो एक ही कर्ल पड़ा हुआ है। चलो घर जाके दिखाते हूँ, घर जाके दिखाते हूँ। नाइस ब्यूटिफुल। चल काजल घर चले। सो गाइस फाइनली मैंने अपने जो नेल्स थे वो भी डन करा लिए हैं, और पता नहीं मुझे बैठे बैठे क्या सूझी कि मैंने अपने जो हेयर है उनको कर्ल करा लिया है। तो आप बताना, वैसे लेंथ बहुत शॉर्ट लग रही है क्योंकि पूरे ऐसे कर्ल हुए हैं ना, तो लेकिन सब मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। अब आप लोगों की बारी है, आप बताना कि कैसे लग रहे हैं ये कर्ल्स करा के। तो आगे किसी किसी शूट में मैं ऐसे करा लिया करूँगी, और अभी मुझे करना है बहुत सारा काम। दो तीन आउटफिट है जिसमें मुझे बनानी है वीडियोज़ और फोटोज़ क्लिक करनी है। उसके बाद साहब ने बोला है कि हमें, हाँ क्या हुआ, रिपोर्ट्स आ गई 24 घंटे बाद आती है, वो कह रहा था इवनिंग में आ जाएगी। तो साहिल ने बोला फटाफट, साहिल ने बोला फटाफट अपना काम निपटा लो। उसके बाद कुछ इन्हें अर्जेंट बात करनी है मुझसे, तो वो मेरे को अभी बता नहीं रहे। उन्होंने बस यही बोला है कि कोई नहीं, पहले आप व्लॉग में अपने हेयर दिखा लो, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो मैं पहले कर लेती हूँ अपना काम, उसके बाद फिर आप लोगों को भी बताती हूँ और खुद भी देखती हूँ कि क्या अर्जेंट बात है जो साहिल करने वाले हैं आप सभी के सामने। और मेरे से मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे लग रहा है वूफी को पता है। पता है क्या उसको? पता नहीं, इसमें दर्द हो रहा है साहिल। हाँ थोड़ा बहुत तो होता ही, झूठ नहीं बोल रही, थोड़ा बहुत तो होता ही, इंजेक्शन लगा था भाई, ऐसे मूड ही नहीं रहा। तेरे हो रहा है गाजर, तेरे दर्द हो रहा है यहाँ पे? हाँ ये देखना, ये क्या डर क्या रही है? ओए तेरी गाइस बहुत दर्द हो रहा है, पर चलो कोई नहीं, हमें पता है रिपोर्ट्स नॉर्मली आएंगी। बाकी मैंने पीसीओडी भी चेक कराया था, तो डर है अपनी का। काजल को डर है, मिट्टी ना निकला है इसके उसमें पूरी रिपोर्ट्स में। बाकी उन्होंने पीसीओडी भी चेक कराया था, जितनी भी गर्ल्स हैं अगर कभी उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, जैसे पीरियड स्किप हो जाते हैं कुछ होता है, तो पीसीओडी टेस्ट करा लेना चाहिए। बस देखते हैं रिपोर्ट्स में क्या आता है, तब तक अभी थोड़ा सा काम करते हैं। तो आप भी देखना कि कैसे शूट होता है और कैसे पसीने आते हैं और कैसे हम थक जाते हैं। चल गाइस शूट तो बाद में होगा, पहले काजल हमें वो ड्रेस ही नहीं मिल रही है जिसमें शूट करना है, और इसने ये बैग ओपन किया था जिसमें बहुत सारे सूट हैं, अब इनसे ये बंद नहीं हो रही है। करो कैसे करो करो करो, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम कैसे बंद करोगे। अभी रुक, तुझे दिखाते लग काजल कह रही है काजल थोड़ा इधर बैठ। इसमें सारे गाइस इतनी कबर्ड्स हैं इस घर में, लेकिन किसी काम के नहीं है क्योंकि सब भर चुके हैं। हो गया तो हो रहा है। निकल अब क्या करें, ये कल तो वेस्ट हो गए, सूट ही नहीं मिल रहा काजल, ढूंढ के रहेंगे पर आज उस साइड बैठ काजल, एक साइड से तो बंद हुआ नहीं है। हाँ अब इधर बैठ, पीछे बैठ थोड़ी यार, आगे यार। थोड़ी पीछे बैठ, नहीं हाँ थोड़ी और पीछे हो, थोड़ी और पीछे हो। बस होने वाली है, होने वाली है, बंद होने वाली है गाइस। अपने घर के पुश्तैनी संदूक कैसे बंद कर यार, मुझे एक संदूक गिफ्ट कर दे काजल प्लीज यार। मेरे दहेज में देते थे, मम्मी क्यों नहीं दिया यार इसको एक संदूक। मेरे कपड़े देख लो मम्मी, वहां लाइन लगनी शुरू हो गई है। नहीं हो रहा बंद, इसे बंद करके आना।
गाइस उस सूट को ढूंढने के लिए फिर से पूरा कमरा तहस नहस हो गया है, पूरी अलमीरा सब कुछ मैंने देख लिया है, मुझे नहीं मिल रहा यार वो, देखना मैंने क्या हालत कर दी है इसकी। पर ढूंढना तो है ही, हो गया बंद। ओ वेरी गुड वेरी गुड गाइस, यही वो सूट था, यही वो सूट था जिसकी वजह से हम लोग इतने परेशान हुए और मिल गया है। पर मुझसे पहले खड़ी हो गई है काजल रानी पहनकर अपना येलो सूट। इसकी जितनी भी वीडियोस फोटोज होंगी मेरे साथ वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, कितना फिटिंग वाला सूट आपको ये लगेगा। एक मिनट रुकिए गाइस, रुकिए ये देखो कितनी सुंदर मेरी बहन लग रही है। अब एक बार काजल पीछे से ये पिन लगा के हमें इसको फिट करना पड़ता है। ये BTS जो मैंने आपको दिखा दिया है, और काजल काफ़ी पसीना पसीना हो गई है AC जबकि हमने चला रखा है। कोई नहीं, इसके फोटोज वोटोज क्लिक करती हूँ, नहीं तो इसे क्या आ जाएंगे, चक्कर आ रहे हैं। सो गाइस फाइनली रात के 12:30 बज गए हैं और अब बहुत तेज़ नींद आ रही है। हम लोगों ने इतनी सारी शूट किया, मतलब मैंने और काजल ने साथ में जो हमारे को करना था, तो 2 घंटे वेस्ट हो गए हमारे उस आउटफिट को ढूंढने में। और उसके बाद फिर इतना ज़्यादा थक गए थे कि साहिल तो हमारा वेट करते करते सो ही गए। उनको ये बताना था, मुझे काजल ने बता दिया, इन सब ने प्लान किया था वृंदावन जाने का, तो ये काफ़ी टाइम से प्लान चल रहा था। तो हम सब बस पुष्पा का ही वेट कर रहे थे कि ये आएगी तो हम जाएंगे, क्योंकि इसने बोला था मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है। तो साहिल मुझे सरप्राइज देना चाहता है। अरे रैप बैटल थोड़ा पॉज ले लेके बोला कर। साहिल मुझे सरप्राइज देना चाहते थे कि हम आज रात को ही निकलेंगे, तो वहाँ पे सारी इन लोगों ने अरेंजमेंट की हुई थी, मतलब होटल वगैरह देखा हुआ था पेट फ्रेंडली वूफी के लिए सब कुछ, कि पहली बार वूफी भी वृंदावन जाएगा। लेकिन बारिश भी हो गई और फिर मुझे आइडिया भी नहीं था, तो मैं अपना जो सामान ढूंढ रही थी उसी में मैंने 2-2.5 घंटे वेस्ट कर दिया। उसके बाद साहिल सो गए, फिर काजल ने बोला, साहिल ने बस इतना बोला था कि आज का जो हम करने वाले थे प्लान अब वो कल करेंगे, तो आज फिर अभी शिल्पा को और आप अपना काम कर लो। मैंने बोला अरे यार शेट, मुझे पहले बता देते तो मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करती, पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज का जो ये साहिल का प्लान था वो मेरी वजह से स्पॉयल हो गया, और आई गेस साहिल मुझसे थोड़े से नाराज़ हो गए हैं। वो मुझे बार बार ये बोल रहे थे कि आज ही शूट ज़रूरी है क्या, ये कल कर लेना आप, तो मैं समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और वो मुझे बता भी नहीं रहे थे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है साहिल शायद मुझसे नाराज़ हो गए हैं। अब ये तो जब वो उठेंगे तभी पता लगेगा, बट मैं पूरा ट्राई करूँगी उनको मनाने का, और अगर वो थोड़ा सा मुझे बता देते तो मैं नहीं ऐसे स्पॉइल होने देती प्लान। बट कोई बात नहीं, आज का व्लॉग कुछ हमारा ऐसा ही रहा, हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, हमने बहुत सारे काम किए। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरे ये कल्स वाले, साहिल को खांसी आ रही है, काजल साहिल उठ गए हैं, पूछे अब प्लान। नहीं नहीं रहने दे, पागल है क्या। और मेरे और काजल के नेल्स आपको, अच्छा ठीक है, और मेरे और काजल के नेल्स आपको कैसे लगे वो कमेंट करके जरूर बताने। क्या कर रही है तू, नेल्स में दिखाऊं क्या मेरा फोकस, फिर तेरे नेल्स पे आ जाएगा। तो मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में।